बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा के पेपर आउट होने के पीछे आयोग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस बार ऐसे कॉलेज में सेंटर बना दिया जिसे 5 साल पहले ही किसी भी परीक्षा के लिए बैन कर दिया गया था। ऐसे में सवालों के घेरे में आयोग के अफसर आ गए हैं। मामला भोजपुर के कुंवर सिंह कॉलेज को सेंटर बनाने से जुड़ा है। दरअसल 5 साल पहले ही 2017 में कुंवर सिंह कॉलेज में सेंटर बनाने पर बैन हो गया था। 2 साल के बाद 2019 में कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से इसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई थी। बावजूद इसके कुंवर सिंह कॉलेज में आयोग की ओर से 67वीं पीटी परीक्षा का सेंटर बना दिया गया। 2017 में स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा में परीक्षार्थियों को बरामदे में बिठाकर परीक्षा दिलाई जा रही थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। मामला संज्ञान में आने के बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कॉलेज में सेंटर देना बंद कर दिया था। उस समय कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक सिद्धेश्वर सिंह थे। उन्होंने बताया कि कॉलेज से कई बार छात्रों ने इस दागी कॉलेज में एडमिशन के नाम पर धांधली को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद ही बैन किया गया था। फिर 2019 में मान्यता भी रद्द कर दी गई। बैन होने के बावजूद आयोग की ओर से 67वीं बीपीएससी परीक्षा का सेंटर बना दिया गया। रविवार को पीटी परीक्षा के दौरान भी कुंवर सिंह कॉलेज में हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर परीक्षार्थियों ने जो आरोप लगाए, उस आरोप की जांच भी होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ परीक्षार्थियों को 10 से 15 मिनट पहले ही प्रश्न पत्र दे दिए गए और उन्हें एक कमरे में बिठाकर परीक्षा शुरू कर दी गई, जबकि बाकी बचे अन्य परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र का वेट करते रहे। बहरहाल परीक्षार्थियों ने खूब बवाल काटा। दरअसल उम्मीदवारों ने परीक्षा पत्र में हुई देरी और 2 कमरों को बंद करके परीक्षा लेने के मामले को लेकर हंगामा किया। अलग से 2 कमरों में परीक्षा लिए जाने का वीडियो भी सामने आ गया था, जिसके बाद विवाद और भी बढ़ गया। कुंवर सिंह कॉलेज में बवाल के बाद डीएम, एसपी और एएसपी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। आयोग की टीम ने कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ से सवाल करने शुरू कर दिए, लेकिन आयोग से सवाल यही हो रहा है कि दागी कॉलेज को आखिर सेंटर क्यों बनाया गया। कुंवर सिंह कॉलेज में 900 परीक्षार्थियों के लिए सेंटर बनाया गया था और यही सवाल बार बार अब कुंवर सिंह कॉलेज पर उठने लगे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आयोग ने कहीं न कहीं या तो बड़ी लापरवाही कर दी है या तो बड़ा खेला हुआ है। अब ऐसे में रविवार को पीटी परीक्षा के दौरान जो कुछ भी हुआ आपने देखा। बीपीएससी के जितने भी परीक्षार्थी थे वो सभी आग बबूला हो उठे थे। सभी लोगों को परेशानी इस बात से थी कि कोई कई 100 किलोमीटर दूर से आया था तो कोई कई किलोमीटर दूर से, और सभी के पैसे लगे हुए थे। सबसे बड़ी चीज ये कि सभी का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अब ऐसे में आयोग की इस गलती का खामियाजा भुगत भी रहा है तो आखिर कौन? सिर्फ और सिर्फ युवा भुगत रहे हैं, जो कि अपने जीवन में कुछ करने की सोच रहे हैं। ऐसे में अब भोजपुर से जो तार जुड़ रहा है उसके मुताबिक कुंवर सिंह कॉलेज, जो कि 5 साल पहले ही बैन कर दिया गया है किसी भी सेंटर को बनाने के लिए, वहां पर आयोग के द्वारा सेंटर बनाए जाने की जो खबर है वो तेजी से चल रही है और इस खबर पर संज्ञान कब तक लिया जाता है ये देखने वाली बात है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।